देश के जाने माने कंपनी एमडीएच मसाले के मशहूर मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उन्होंने माता चनन देवी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 98 वर्षीय महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से माता चनन हॉस्पिटल में एडमिट थे। महाशय धर्मपाल के निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जाहिर किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सौम्य व्यक्तित्व के धनी महाशय धर्मपाल जी संघर्ष और परिश्रम के एक अद्भुत प्रतीक थे। अपनी मेहनत से सफलता के शिखर को प्राप्त करने वाले धर्मपाल जी का जीवन हर व्यक्ति को प्रेरित करता है। प्रभु उनकी दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान करे व उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। महाशय धर्मपाल का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुआ था। साल 1933 में उन्होंने 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ दी थी। साल 1937 में उन्होंने अपने पिता की मदद से व्यापार शुरू किया और उसके बाद साबुन, बढ़ई, कपड़ा, हार्डवेयर, चावल का व्यापार किया। एमडीएच की वेबसाइट के अनुसार मसालों का उनका पैतृक व्यापार था। उन्होंने अपने पिता की मदद से दूसरे व्यवसाय जमाने की कोशिश की, लेकिन वो जम नहीं पाए। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वो भारत आए और दिल्ली पहुंच गए। यहाँ उनके पास महज 1500 रुपये थे। पहले उन्होंने 650 रुपये का एक तांगा खरीदकर चलाना शुरू किया। बाद में उन्होंने एक हट्टी या खोखा खरीदकर अपनी मसालों का व्यापार शुरू कर दिया और इस तरह स्वतंत्र भारत में शुरू हुआ महासयाती हट्टी का सफर, जो अब इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है और महाशय जी के नाम से जानी जाती है। उन्हें बड़ों से लेकर बच्चों तक हर कोई पहचानता है। महासयादी हट्टी नाम से बनाई गई मसालों की उनकी कंपनी देश के सबसे पहले मसालों के लिए जाने वाली कंपनियों में से एक है। वो एमडीएच के विज्ञापनों में अक्सर दिखाई देते थे, जहां उन्हें उनके अंदाज में देखा जा सकता था। उन्हें महाशय जी कहकर बुलाया जाता था। उन्हें मसालों का बादशाह भी कहा जाता था। महाशय धर्मपाल गुलाटी को पिछले ही वर्ष देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।